हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में। तो आज हम आए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक सा शरबत हम बनाएंगे, और इसे हम बनाएंगे पान के पत्तों से। तो पान के पत्तों का शरबत या पान शरबत, वो हम बनाने वाले हैं। तो बहुत ही टेस्टी, डिलिशियस, इंटरेस्टिंग ये रेसिपी होगी। तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पान शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ब्लेंडर जार में एकदम चिल्ड दूध, वो हम ले लेंगे। फिर हम इसमें इसका जो मेन कंपोनेंट है, जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो है पान का पत्ता। वो हम इसमें एकदम छोटे छोटे पीसेस हम हाथ से इसे चीर कर, या फिर आप इसे नाइफ से काट कर, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं एक बड़ा पान का पत्ता यूज़ कर रहा हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे भिगोए हुए काजू, बादाम और फेनल सीड्स, सौंफ, वो हम इसमें डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे गुलकंद। तो पान में जो पान हम खाते हैं, मीठा पान, उसमें गुलकंद भी जाता है, वो हम इसमें डालेंगे। दो से तीन छोटे इलायची, वो भी डालेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे चीनी, और अगर आप चाहें तो जो शुगर कोटेड फेनल आते हैं, वो भी, मीठा जो पान मसाले के साथ शुगर कोटेड फेनल आता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसमें चाहें तो थोड़ी सी रबड़ी या कंडेंस मिल्क, वो भी डाल सकते हैं। इससे जो शरबत है वो थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा, थोड़ा सा रिच बनेगा, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर हम इसमें एक मसाला डालेंगे, जो चाय मसाला होता है, वही हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा चाय मसाला। अगर आपके पास चाय मसाला ना हो तो आप थोड़ा सा जायफल, जावित्री, दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, उसे आप थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर ले और उसका पाउडर बना ले। नहीं तो बना बनाया जो चाय मसाला मिलता है मार्केट में, उससे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे। तो सभी चीज़ें हमने इसमें डाल ली हैं। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा और पान का पत्ता, वो आप इसके ऊपर डालें, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम चॉप करके इसमें डालें, थोड़ा सा शुगर कोटेड फेनल, वो आप इसके ऊपर डालें, थोड़ा सा गुलकंद और डालें, और इसे एकदम चिल्ड आप इसे सर्व करें और इन्जॉय करें। तो दोस्तों, हमारा पान शरबत एकदम बनकर रेडी हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो रेसिपी है वो ज़रूर पसंद आई होगी, और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्लेवर्स ट्यूब को सब्सक्राइब करें, और अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।